हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपको बताएंगे आम का खट्टा मीठा अचार, वो भी एक नए तरीके से बनाएंगे। ये कच्चे आम लिए हमने, 1 किलो आम है, इसको अच्छे से धो लिया। अब इसको सूखे कपड़े से हमने पोंछ लेना, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरसों का तेल, हींग थोड़ा सा, सौंफ 1 टेबल स्पून लिया है, राई 1 टेबल स्पून, सरसों इसको पाउडर कर लिया, कलौंजी 1 टेबल स्पून, मेथी 1 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 2 टेबल स्पून, 1 कटोरी चीनी। आम को हमने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेना, ये बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। और जब भी आप आम का अचार बनाओ या कोई भी अचार बनाओ तो इसे कांच की बोतल में रखना है। अब इसको हमने कद्दूकस करना, कद्दूकस इसको 3 तरह का होता है, तो मोटी तरफ से करेंगे और छिलके समेत ही कद्दूकस करना, छिलके को बिल्कुल नहीं निकालना। इस तरह से ये मोटा मोटा कद्दूकस करेंगे। आम को हमने कद्दूकस कर लिया, जो कद्दूकस करने के बाद आम में रह जाता है पार्ट, वो भी चाकू से निकाल लिया। इस तरह से इसको भी इसी में मिला देंगे छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि हमने कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब हमने गैस पर तेल गर्म होने रखा, सरसों का तेल हमने 5 टेबल स्पून लिए थे, इसमें हमने हींग डाल देना। तेल गर्म है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब इसमें हमने मसाले मिलाने हैं, कलौंजी, मेथी, सौंफ और सरसों का पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, ये सब मिला देंगे। नमक थोड़ा कम कर देंगे, अपने हिसाब से मिलाएं आप। मिर्ची पाउडर भी अपने हिसाब से डालें, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है, तीखा खाना चाहते हो तो उस हिसाब से डाल लें। 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और सालों साल खराब नहीं होता। बहुत पुराने ज़माने में पहले से ही ऐसे ही बनाया जाता था आम का अचार, जो खट्टा मीठा अचार है, कुतरा भी कहते हैं इसको। अब इसमें हमने तेल डाल देना है, जो गरम करके रखा था हमने, इसको डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अचार हमेशा कांच की बोतल में ही डालें, और बोतल हम बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, धो के सूखी बोतल रखें आप। ये अचार हमारा अच्छे से मिक्स हो गया मसालों में, तेल भी इसमें बहुत डाला है, और नहीं डालेंगे, इतना तेल बहुत है। अगर आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हो तो और तेल डाल सकते हो, लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको आज से ही खा सकते हो आप, तुरंत खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको कांच की बोतल में भर देंगे। तो लीजिए, हमारा आम का खट्टा मीठा कुतरा अचार खाने के लिए तैयार है, तुरंत खा सकते हो इसको, बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम फटाफट बन जाता है, इंस्टेंट है और साल भर खराब भी नहीं होता। आप इसको रख सकते हो, एक दिन आप धूप में रख दें ढक्कन लगा के, तो और अच्छे से हो जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।